Hi everybody. How are you guys doing today? It's good to see you guys. Yeah. I'm good. I hope you're having you do know for 2 more weeks we are still in lockdown. थोड़ा सा ease हो गया है, लेकिन not for everybody, for certain people, and we're hoping that it's going to go away soon, and I hope that ये जो ease हुआ है लॉकडाउन, इससे ये ना हो कि और भी ज़्यादा केसेस हो जाएं. सो वी स्टिल हैव टू बी लुकिंग आफ्टर थिंग्स अ लिटल बिट मोर. सो या आई स्पेंट द काइंड ऑफ द डे वर्किंग अ लिटल बिट अराउंड द हाउस, बिकॉज वी हैड अ खटमल सिचुएशन गोइंग ऑन, एंड आई वाज टोल्ड कि जी खटमल जो है वो बाहर से आते हैं. हाय, हेलो फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, हाउ आर यू? सो आई वाज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दोज खटमल्स, एंड देन ऑफ कोर्स एक्सरसाइज. एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 वीक्स ऑफ द लॉकडाउन आई हैव एक्चुअली टेकन अ नैप इन द आफ्टरनून. आई जस्ट वॉट सो टायर्ड ऑफ क्लीनिंग दैट आई डिसाइडेड कि चलो आज मैं जाके थोड़ा सा सो जाती हूँ. So I went off to sleep, and then I spent some time in the garden. My gardener had come back after almost a month, and then then I sort of did a little bit. थोड़े से पौधे खरीद के लेके आई हुई थी, तो we did a little bit of gardening with him, and then bed bugs, man. So listen, this happened in my son's room, and it's actually happened for the second time, एंड आई थॉट कि 3 महीने में अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे फिर से करना पड़ रहा है. सो एनी वे, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी जॉइन टूडे बाई अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड जाले, एंड लिटल चैट. सो आई जस्ट आस्क जाले टू जॉइन द ग्रुप. आई थिंक यू ऑलरेडी नो हु जाले इज. जाले यूज टू बी अ मॉडल, एंड हेलो, लुक एट, हेलो, अस्सलाम ओह, आई लव द रेड लिपस्टिक, यू लुक वालेकुम. सो गुड. थैंक यू ओके, सो मच प्रिया, सो डू यू, सो डू यू. आई लव द वाइट. सो यू आर माय फर्स्ट गेस्ट और फ्रेंड ऑन माय लाइव चैट हु हैज एक्चुअली पुट मेकअप ऑन. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयज, बट यू ड्रेस्ड अप एंड यू लुक द पार्ट एंड यू फैबुलस. यू ऑलवेज, यू नो, आई लव योर पिक्चर्स. सुबह सुबह तुम उठ के वो तस्वीरें डालती हो अपने, लाइक कभी स्लीपिंग सूट में, बट देयर सो नाइस बिकॉज़ इट्स लाइक अ बिग हेलो टू मी, यू नो. सो प्रिया, या आई रियली, ट्राई, आई ट्राई माय बेस्ट. आई नो हर कोई जो है वो बहुत डिप्रेस्ड है, अपनी अपनी सिचुएशन से हाँ तंग है, और हर किस्म की सिचुएशन हाँ से गुजर रहा है. सो आई फील, आई डोंट नो, अगर कोई खुश हो जाता है मेरे टिकटॉक से या मेरी तस्वीरों से, सो व्हाई नॉट. एंड आई जस्ट वांट टू स्प्रेड अ लिटिल बिट ऑफ स्प्रिंकलिंग ऑफ पॉजिटिविटी. इफ दैट Yeah. हैपेंस फ्रॉम मी, देन दैट्स ऑसम. Right. So listen, you have kids, right? You have one kid. I have one child, One, yeah. 12-year-old, right? She's a 12-year-old, yes. Almost Wow. there. Almost 12. So is she keeping you busy? Is she at that age where she's like, no, mommy, don't kiss me and don't hug me and you're not cool, and you Not haven't at gone through all. that नहीं, yet? बिल्कुल भी नहीं. इट्स काइंड ऑफ द ऑपोजिट. अच्छा आई अच्छा लव द, शी इज एक्सट्रीमली अफेक्शनेट. आई थिंक हमारी जितनी भी ओके खवातीन खानदान में, और हम लोग वी आर बंच ऑफ गर्ल्स, सारी ही लड़कियां हैं खानदान में. लाइक ऑब्वियसली आई कांट से दैट आमिर इज अ व्हाट्स गर्ल, योर नेम, बट मेरी व्हाट्स योर बहन हो नेम. गई, मेरे कजन हो गए, सब हो गए. सो हम हाँ लोग सब बहुत एनिमेटेड है, एंड वी आर वेरी अफेक्शनेट, हाँ और बिल्कुल या भी नहीं रुकते अफेक्शन शो करने से. सो माई डॉटर्स द सेम. व्हाट्स योर नेम, अनाया, नाम एंड Anaya, हर नेम that's इज nice. I अनाया. like that. Beautiful, beautiful name. So, okay. So, I thought that today, because Jale, पहले तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊँ. मुझे थोड़ी सी देर हो गई टू कम लाइव बिकॉज देर वॉज अ छिपकली इन माई बाथरूम. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज गो थ्रू छिपकली. आई नीड टू हेयर सम छिपकली स्टोरीज, यू नो. आई डोंट नो, इट्स नॉट नाइस. आई एम नॉट अ फैन ऑफ रेप्टाइल्स And I don't like cockroaches. I mean, I think most people don't, but I also don't like to kill them. So, I can't take a chappal and hit a cockroach. So I'm always calling my servant, I called my son, and I said, please, can you help me get this
दिस छिपकली आउट एंड प्लीज डोंट डोंट किल इट, जस्ट थ्रो इट इन द गार्डन, वो फिर से वापस आ जाएगी आई नो, हाँ लेकिन इट्स जस्ट समथिंग अबाउट द स्लाइमी, आई मीन यू नो, आई नो अच्छा, शनीरा मुझे खान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. आई एम लाइक द बेस्ट पर्सन टू अच्छा हैव अराउंड. मुझे छुपकलियों से बिल्कुल डर हाँ नहीं लगता. इनफैक्ट मैंने पूरी जिंदगी हाँ छुपकलियों की जान बचाई है. सो आई वेंट टू कराची अच्छा यूनिवर्सिटी. एंड ओह हम ओके लोग के छोटा सा जो खोखा होता है जहाँ खाना वाना खाते हैं, तो हम लोग हाँ वहां बैठ के खाना खा रहे थे कैफे में. एंड सडनली जो है वो शोर मच गया कि छुपकली छुपकली. और पता चला वेटर जो था, जिसने अपना एक एप्रन बांधा हुआ था, उसके पॉकेट के हाँ अंदर छुपकली चली गई. ठीक है, बड़ी सी. और वहां पे होती भी बड़ी है, गॉड कराची यूनिवर्सिटी इज लाइक ह्यूज एंड दे हैव लाइक गेको साइज्ड लिजर्ड्स. ओह सो माय अब सब गॉड चिल्ला रहे थे, वेटर वाज गोइंग कंप्लीटली बिजर्क. मैंने थैली चढ़ाई अपने हाथ में, मैं गई हूँ, मैंने उसके पॉकेट के अंदर अपना हाथ हाँ डाला है, मैंने छुपकली निकाली और मैंने जाके बुशेज में फेंक दी. उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ ना, फ्रिया मेरे लिए फुल ऑन तालियां बज रही थी. सबने मुझे बोला, वाओ यू सेव द वेटर. मैंने कहा, नो आई डिड नॉट सेव द वेटर, आई सेव आई द सेव द छुपकली. छिपकली, प्लीज रिमेम्बर दैट. यू नो आई मुझे तो थिंक अच्छी लगती है. हाँ, अच्छा मेरे साथ, मेरे घर के साथ मैदान है ना, तो वहां से आ जाती हैं, काफी अक्सर आ जाती हैं, एंड आई नो के दे किल मस्कीटोज एंड दे यू नो दे गेट बिल्कुल लिटिल थिंग्स इन योर हाउस, सो बट हाँ इट्स जस्ट आई एम नॉट स्केयर ऑफ देम, मुझे इक्की लगती है थोड़ी सी ना, मुझे हाँ हाँ रेप्टाइल्स स्लाइम ही होती है, यू नो एब्सोल्युटली. आई फाइंड देम अ लिटिल इकी, एंड आई फाइंड इट डिस्टर्बिंग दैट देयर इज समथिंग इन माई रूम अदर देन माई सेल्फ, और मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है, मैं एक मरतबा दरवाजे की कुंडी बंद कर रही थी तो उसके ऊपर छिपकली थी और वो फिर मेरी शक्ल पे गिर गई थी, और आई नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, ट्रॉमा. और ना ये तो ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा से तो फिर आप नहीं बच नॉट सकते ना. करेक्ट आमिर के साथ यही हुआ है. माय हस्बैंड आल्सो फेस समथिंग इज रियली और टू द सेम इफेक्ट. और उसके ऊपर भी छुपकली गिर गई थी, तो वो ही स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड्स, बट ही लिव्स विद मी. ही इज लकी, आई एम नॉट, आई कैन डील कैन विद यू देम. इमेजिन, यू आर सुपर वुमन यार, यू आर लाइक नॉट रियली. हेलो। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस, इट्स नॉट इवन फनी, अच्छा लाइक सो अनबिलीवेबल. इंसेक्ट्स, सो इंसेक्ट्स रादर देन रेप्टाइल्स, ओनली रेप्टाइल्स जो है ना, कॉकरोचेस, ओनली ओके कॉकरोचेस, ओनली. ओके आई एम नॉट स्केयर ऑफ देम, आई डोंट लाइक द वंस दैट फ्लाई, अगेन आई ओ डोंट लाइक यस, थिंग्स इन माई स्पेस, इफ आई वॉन्ट टू पुट समथिंग देयर इट शुड बी समथिंग दैट आई वॉन्ट, बट आई डोंट लाइक किलिंग देम। अच्छा सो इसकी बात करते हैं, हमने मैं सबको बता दूं, जाले इज अ फैबुलस गर्ल, शी यूज टू बी माई मॉडल, बट शी इज शी इज ऑल्सो एन एक्टर एंड शी इज अ मॉम एंड बट शी इज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट, मोस्ट ऑफ यू वेन आई वॉज डूइंग वर्क ऑन द चाइल्ड अब्यूज, सो Jale was one of my speakers. She was part of that whole campaign. And, she continues to, I see her posts and she continues to fight for women's rights. So, एक जो बहुत बड़ी चीज हुई है इस पेंडेमिक के अंदर वो ये है जी कि there's an increase in domestic violence. And domestic violence is not just about women, it's also about children, right? एब्सोल्युटली. So I thought we would talk about it a little bit. I know that you have a fabulous husband, Amir, and he's really sweet. And I've Yes, seen it. yes. You see, when you have a good partner, you grow well, and you can pursue your dreams, and you help them pursue their dreams. And there's dignity and there's unity in that Absolutely. relationship. Your children grow up well, also. So Yes. I don't know if everybody wants to hear this conversation, but I thought it was important to bring attention to this because obviously we in Pakistan there's a lot of women who don't talk about what's going on with them, जी. and especially जब आप अभी इस वक्त you are locked up with an abusive husband or abusive person, and it doesn't have to be your husband, it could also be a family member, and जी they're being abusive to you, you have nowhere to go. I mean, you can't जी run out of the house, you can't I don't, so let's talk about that. I think more than बिल्कुल. that, I think we need to tell women a little bit about what abuse is. So let me get जी your feedback on what you think domestic abuse is, first of ओके all. फ्रिया, सो आई've डन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दिस एक्चुअली. द रीजन बीइंग आई एक्चुअली वांटेड टू परसू साइकोलॉजी एंड आई वांटेड टू गेट इनटू साइकाइट्री, बट एट द लास्ट मिनट. मैंने साइकोलॉजी किया भी था, आई टॉप्ड इन कराची
This is one thing that people don't know about me. But psychology was one of my favorite subjects, and my chief interest was in child psychology. एंड मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रही थी, तो मैंने उस दौरान में इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया था. और अब्यूज जो है, दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ द स्टडी, कि व्हाई डज इट हैपन. सबसे पहले तो उसकी निशानदेही ये करने की जरूरत है कि ये होता क्यों है. राइट, अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली, मतलब हमारे इस साउथ ईस्ट एरिया में, पीपल डोंट कंसिडर मेंटल इलनेस टू बी एन इलनेस. ठीक है, उसको डिजीज नहीं समझा जाता. तो जब डिजीज नहीं समझा जाता, तो उसकी जो है वो उसके लिए कोई दवाई या उसको सही करने के लिए आप गामजन नहीं होते, आप उसे छोड़ देते हैं. डोमेस्टिक अब्यूज कम्स फ्रॉम अ सिवियर लैक ऑफ एम्पैथी, सिवियर लो सेल्फ एस्टीम. Or maybe you probably, the person who's the abuser has probably been abused as a child and has has seen someone else being abused. Or violence usne dekha hai, aur usko lagta hai ki violence hi hal hai conflicts ko hal karne ke liye. Ye ek bahir zariya hai. So pehle to iski nishandahi karna bahut zaruri hai ki agar aapke ghar mein kisi ko anger management ke issues hain aur bahut aggressive hai, to uske aggression ko kis tarah se roka jaye. Because wo baad mein jaake translate ho sakta hai, wo aapke partner ke saath भी हो सकता है, आपके सर्वेंट्स के साथ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, या आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है. सो डोमेस्टिक अब्यूज इज समथिंग व्हिच अ पर्सन, द अब्यूजर, एक्चुअली वांट्स टू गेन कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन, एंड दे वांट टू हैव द पावर ओवर देम. एंड द ओनली वे दे फील के पावर वो गेन कर सकते हैं इज बाय अब्यूजिंग देम मेंटली, फिजिकली, और जस्ट बाय इमोशन. You know, emotionally aap abuse karte hain. So it's not just physical, it's also mental, it's also provocation. There are a lot of things which come into domestic abuse. So aapne badi achhi baat ki thi ki jo log samne nahi aate na kehne ke liye, ki unko aadon ko to ye lagta hai ki unke sath kuch galat nahi ho raha, कुछ नहीं हो रहा, लगता ही नहीं है कि विक्टिम है, ये तो सही है, इसी तरह होता है, हमारे अब्बा ने हमारी अम्मा को मारा था या हमारी अम्मा ने अब्बा को मारा था, तो वो तो होता है. एक्चुअली आप किसी को भी नहीं मार सकते, अपने बच्चों को भी नहीं मार सकते, ये पुराने जमाने की बात है, आप अपने आप को हार्म नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, तो ये लोगों को पता नहीं है. एंड आई थिंक आई एम गोना से दिस बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली, you know, I was in an abusive relationship till I know that. मुझे 5 साल के बाद, can you imagine an empowered woman like me, a strong, everybody thinks I'm really strong, but at that point, I am, but I was strong then, but on this aspect, I wasn't strong, because I'd gone through the child abuse, so I thought that, okay, I deserve this, but at the same time, I did not understand that, first thing I didn't understand that I was being abused in a relationship. So for me, ke ye bahut zaruri hota hai कि उसको रिकग्नाइज करना. अच्छा, इवन दो माय हस्बैंड वाजंट अ फिजिकल अब्यूज, यानी कि वो मार पिटाई में नहीं होता था, लेकिन देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूज. सबसे जो जिसमें आइसोलेशन की हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. एन अब्यूजर कैन ऑल्सो आइसोलेट यू, एंड आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपको जो आपको चीजें कॉन्फिडेंस देती है, आपकी फैमिली, आपके अच्छे दोस्त, आपका करियर, इकोनॉमिकली आपका पूरा कंट्रोल उनके पास हो, सो दे लाइक टू टेक कंट्रोल, सो दैट दे हैव पावर ओवर यू, दे थिंक दैट दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड ऑब्वियसली आई डू सिंपथाइज विद अब्यूजर, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल्सो, नो आई अंडरस्टैंड नाउ दैट माय एक्स हस्बैंड हैड हिज ओन इश्यूज दैट ही हैडन्ट डेल्ट विद, एंड सो ही वाज डूइंग दिस. बट फॉर मी, वंस द चिल्ड्रन वर बॉर्न, it became a very important thing. और मैं literally कनाडा में थी, ऐसे मुल्क में जहाँ वेस्टर्न कंट्री में जहाँ के इतने राइट्स हैं औरतों के, एक फोन करने की देर होती है. But it was getting really bad at that point, and you know, you have meant to feel like you're the wrong person, or you're the person who's in you're the person who's wrong all the time, and you feel very small, and you feel, you know, very depressed, and anxiety hoti, and you don't know where to go. So it's very important first to understand what abuse is, and then to identify it, and then obviously you can seek counseling. I'm not saying ke marriage ko tod do, because obviously the other person is
इन ट्रबल एंड वी हैव टू हेल्प देम ऑल्सो. सो जी इस वक्त WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जी उनके उन्होंने एक्चुअली आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि इस वक्त डोमेस्टिक अब्यूज इज ऑन द राइज बाय 38%, बिकॉज वाओ ऑब्वियसली पीपल आर स्टक इन द सेम होम, यू कांट रन अवे, यू नो देर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देर इज उसकी जी एक और स्ट्रेस आ जाती है आदमी के ऊपर. तो हमारी हमारी जिंदगी में ये बहुत कुछ होता है. खैर एनी वे, मैं उर्दू में, यस, समबडी सिंग जी मुझे बेटर टू हैव मैंने अ भी वही कॉन्वर्सेशन इन पढ़ा उर्दू. या सो नो, मैं तो हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि उर्दू में ज्यादा बात की जाए, क्योंकि यू बिल्कुल आर ट्राइंग टू रीच मोर पीपल. तो बिल्कुल यू नो आई एम सो दिस इज समथिंग दैट अगेन आई थिंक द सिंध गवर्नमेंट हैज बिन अलर्टेड. हम तो सिंध में रहते हैं तो वी नो दैट दे हैव बिन अलर्टेड, बिकॉज बाहर के मुल्कों में इट्स वेरी इजी टू स्टिल पिक अप द फोन एंड कॉल सर्टन जी नंबर्स, यू नो, बट वो भी नहीं करती खवातीन, नहीं वो उससे भी एब्सोल्युटली करती बिकॉज है. मैं आपको बताऊं You फ्रिया, इसके साथ बहुत सारी चीजें know. एसोसिएटेड होती है ना. लाइक अगर आप डोमेस्टिक अब्यूज के विक्टिम हैं और आप हामी भर लेते हैं इस बात की जो है वो आप मान लेते हैं कि आप विक्टिम हैं, तो उसके साथ शेम भी आती है, इसके साथ आप यू फील एम्बेरेस्ड. तो ये बहुत सारे इमोशंस एक साथ आते हैं जो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको बहुत बहादुर होना होता है पहले तो एक्सेप्ट करना कि आप डोमेस्टिक अब्यूज या किसी भी किस्म के अब्यूज के विक्टिम है. तो आप पहले अगर आप इस चीज से अपने आप को हटा दें, अपने अपने आप ऊपर से ये ब्लेम हटा दें कि ये आपकी वजह से नहीं हो रहा, ये जो अब्यूजर है उसका प्रॉब्लम है, या तो मेंटल इश्यू है कोई, या उसको कोई अपने यू नो लो सेल्फ एस्टीम जो है वो एक इंसान की अपनी प्रॉब्ली जो है वो मसले होते हैं, उसने उसको लगता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने पार्टनर से कमतर है, या जो भी जिस शख्स के ऊपर भी वो पावर अपना एग्जर्ट करना चाह रहा है उससे कमतर है. ये आप पहले ये सोचना शुरू करें कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ, उसने मुझ पर हाथ उठाया, या उसने मुझे गाली दिया, या उसने मुझे मना किया कि मैं अपनी सहेली से बात ना करूं या काम पे ना जाऊं, तो ये मसला कहाँ से उठ रहा है. पहले तो आप शेम अपने आप से हटाइए, एम्बेरसमेंट अपने ऊपर से हटाइए, ये मान लीजिए कि आपके साथ कुछ हुआ है और आपने इस चीज को हल किस तरह से करना है. और आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर चीज का हल जो है वो चीजों को खत्म कर देना नहीं है, रिश्ते नाते तोड़ देना नहीं है, जब तक ये चीज बहुत आगे तक नहीं चली जाती. बहुत आगे तक जो है वो भी बड़ी थिन लाइन है कि बहुत आगे तक कुछ लोगों के लिए थप्पड़ ही बहुत बड़ी बात होती है और कुछ लोगों के लिए जो है. मैं हमेशा सब खवातीन को इंकरेज यही करती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, अगर जी आप एक माँ बन जाते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है. सो इट्स जी बेटर कि आप जब एक वो जिम्मेदारी लेते हैं टू रेज टू वन चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन, थ्री चिल्ड्रन, जी देन यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. तो बिल्कुल इस वक्त आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है. और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये ना समझें कि यू नो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ योर लाइफ, जी बिकॉज इफ दैट्स द स्केरी पार्ट, कि अब क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसने दूसरी शादी कर ली, या मैंने अगर उसको रोका, या मैंने किसी को बता दिया तो क्या होगा. तो इस चीज से डरना, एक वो हिम्मत करनी पड़ती है, एक बड़ा एक वो स्टेप होता है, जिससे आई फेल्ट कि मैंने जब वो स्टेप लिया तो मेरा बहुत ज्यादा शोल्डर्स के ऊपर से वो बोझ हट गया था, एंड सडनली आई फेल्ट एम्पावर्ड, आई फेल्ट कि अच्छा अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम नॉट जी स्केर्ड एनी मोर. सो आई थिंक यू बिल्कुल जस्ट हैव टू टेक दैट वन लीप, एंड समटाइम्स इट्स बिल्कुल ओके टू टॉक टू समबडी, टॉक टू जी यू नो, डोंट बी आइसोलेटेड, टेल समबडी, यू नो, ताकि आपको कोई हेल्प कर सके, बिकॉज मोस्ट एंड अनदर स्टेटिस्टिक इज 38% ऑफ पीपल इन डोमेस्टिक वायलेंस, द मर्डर्स दैट हैपेंड हैपन जी बाय एन इंटीमेट पार्टनर. इट इज समबडी हु एब्सोल्युटली इज आइदर योर हस्बैंड और अ लवर, बॉयफ्रेंड और व्हाटएवर. सो इन चीजों में बहुत जेलसियां और ये और वो चीजें लोग कैरी कर रहे होते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो टू टेल समबडी, एंड एंड बिकॉज यू आर ऑफन वेरी स्केयर टू टॉक अबाउट दिस. तो बिल्कुल डरना नहीं है, बात करनी है, जी हिम्मत करनी होती है, इतना आसान नहीं होता. आई नो कि मेरी जो मेड है, फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज मेरे को 6-7 साल से मेरे घर में थी, मगर उसका मियाँ काम नहीं करता, ही ड्रिंक्स और वो नशा भी करता है, और वो आके मुझे दिखाती थी अपने ब्रूजेस, और मैं उसको हमेशा कहती थी चलो मेरे साथ, तुम काम करती हो, तुम कमाती हो,
तुम जाके सारे घर के अंदर सब कुछ करती हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तो ये हिम्मत करो और FIR कटवा लो उसके अगेंस्ट. बट शी वाज सो स्कैर्ड बिकॉज वही वाली सोसाइटी क्या कहेगी, हाँ खानदान लोग में क्या क्या होगा, करेंगे, डिवोर्स हाँ लोग क्या दे देगा. करेंगे, हाँ हाँ, नाक कट जाएगी, डिवोर्स एम्बैरेसमेंट, दे शर्मिंदगी, पछतावा, बहुत सारे इमोशन से लोग गुजरते हैं। आपने बहुत अच्छी देगा. बात की कि अपने आप को आप आइसोलेट ना करें, कोई आपको करने की कोशिश कर भी रहा है ना, तो आप किसी ना किसी को अपना हमदर्द बना लें। आप किसी से, कोई ऐसा हो, आपकी बहन हो, आपकी कोई सहेली हो, या आपके कोई भी जानते, कोई आपका पड़ोसी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुक जो है वो आपका, अभी तो स्पेशली इस क्वारंटीन के दौरान आपके पड़ोसियों से है, क्योंकि वो करीब करीब है, क्योंकि आप कभी किसी और के घर नहीं जा सकते, दूर दोस्त और रिश्तेदार वाला भी दूर है। तो आप किसी को ऐसा हमदर्द बना ले और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी शेयर कर सके। बात करना जो है वो, मुझे पता है किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन बात करने से अगले की राय भी आपको मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप खुद ही अपनी सोच में घिरे रहते हैं ना, तो आप बहुत सारी अजीब सी बातें सोचते हैं जो कि आपके जहन में गड़बड़ हो रही होती है। जब तक आपको किसी और का नजरिया नहीं मालूम होता, तो आपको एक वन फैसेटेड सी चीज लगती है। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस दैट यू आर गिविंग पीपल ऑल्सो, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से द सेम थिंग। आई एम श्योर देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर्क अगेंस्ट अब्यूज। मेरी बहन और मैं, हम लोगों ने काम भी किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका नाम है वॉर अगेंस्ट रेप, इट्स कॉल्ड वॉर इटसेल्फ। एंड वो रेप विक्टिम्स के साथ भी काम करते हैं, वो अब्यूज विक्टिम्स के साथ भी काम करती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि वो आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में किसी को बताएगी नहीं, बिकॉज इट्स अनएथिकल। सो आपको ये ना लगे कि आपका राज कहीं फाश हो जाएगा, किसी तक आपकी ये कहानी पहुंचेगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो के काम कर रही हैं। आप जैसे लोग हैं जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, जहां पे हर किस्म की बात हो सकती है और हर प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। तो बात That's करना, right. निशानदेही करना, और उसके बाद उसको, उसके बारे में बात करना जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। So, हम दोनों शोबे से ताल्लुक रखते हैं जी और अक्सर हमारे हमें यही कहा जाता है आके, दे ऑलवेज टॉक टू अस अबाउट द कास्टिंग का, वो हमेशा कहते हैं कि उसके बारे में बताएं कि होता है कि नहीं. तो आई ऑलवेज से कि येस ऑफ कोर्स, आई मीन वी हैव ऑलरेडी फॉट अगेंस्ट, आई स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड मे बी, विच वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट जी सेक्सुअल हरासमेंट. एंड नाउ आई थिंक 2 साल से इतना पकड़ गई है, इवन इन पाकिस्तान विद द औरत जी मार्च एंड एवरीथिंग हैपनिंग, दैट आई थिंक वुमेन आर ऑन देयर वे. आई मीन आई थिंक अबाउट व्हेन आई ज्वाइन द इंडस्ट्री विच वॉज 33 years अगो, एंड नाउ जी आई सी सच अ ह्यूज डिफरेंस. आई सी दैट पीपल बिहेविंग देमसेल्व्स बेटर, एंड जी आई थिंक ऑल्सो विद दिस मूवमेंट वी आर मोर एम्पावर्ड टू डू मोर एंड डू मोर थिंग्स, एंड नॉट जस्ट Not just for women, but for men also. For it's for बिल्कुल everybody in the जी industry. And I think I can always say that I've always given people work on merit. It's never been something that's clouded my eyes and said, oh, I, want to be part of this whole thing. But yeah, so Jale, let's talk about pleasant things now. How about we change the subject? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So tell me one story of quarantine. Which is your best story of quarantine? I'm going to have lots of stories. I'm going to have my Chipkali story. I've colored my mother's hair. I've done so many things. But यस, tell वो me मैंने your देखी थी, story. वो मैंने देखी थी आपकी वीडियो। कलरिंग है जो है वो एक आर्ट फॉर्म है, और किसी के बस की बात नहीं है, इतना मैं बता मैंने दूं। मैंने खुद बहुत नहीं किया कोशिश की है, अपनी देखो जिंदगी में। मेरे बाल भी हो रहे हाँ हैं थोड़े सफेद, बट आई हैवन्ट जी डन इट. Proudly show off our roots and our wisdom. एब्सोल्युटली। फिर So मैं tell me. मेरी मेरी कहानी यह है कि मुझे वैसे बिल्कुल मसले नहीं है घर पे रहने के, मैं काफी होम बॉडी हूँ। बट ये कि एनर्जी बहुत है, तो मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ करने का दिल करता है, और मुझे बहुत शौक है, मुझे बचपन से शौक है। मैं 12 साल की उम्र से खाने बना रही हूँ। सो कभी मुझसे कोई आके पूछता है, इनको लगता है कि शोबिज में रहते हैं ना, तो सारा वक्त नेल्स पेंटेड होंगे और एक काउच पे अपनी टांग पे टांग रख के बैठे होंगे। बिल्कुल ऐसी कोई कहानी नहीं है। हाँ बिल्कुल, नॉट एट ऑल। कल रोटी भी आती है बनानी, खाने भी आते हैं। सो बहुत सारे खाने बनाए मैंने, खाने बनाना सीख लिए बहुत सारे जो मुझे नहीं आते थे। मैंने फ्रॉम स्क्रैच पिज्जा बनाया, जो कि मैंने आज तक नहीं बनाया।
मैंने बर्गर्स जो है जिस तरह के मैंने इस बार बनाए वो नहीं बनाए, बेकिंग बहुत सारी की. एक स्टुपिड सी मूवी देखी मैंने जिससे मैं बहुत डर गई थी, और मेरा सारा जो कैथारसिस था ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन वो निकला 2 घंटे तक रो रो के कि मैंने क्यों देखी. कौन सी फिल्म? भी एक कोरियन मूवी है कॉल्ड द ट्रेन टू बुसान. आई डोंट नो इफ यू सीन इट. इट्स No, अबाउट is अ it on जॉम्बी Netflix? अपोकैलिप्स. नो नो इट्स Oh ऑन God, no, नेटफ्लिक्स. I hate. हाँ Please, इट I'm इज, not आई even थिंक इट्स writing ऑन it down. I can't watch zombie films. नेटफ्लिक्स. नो I can't even डोंट watch Avengers. I डोंट can't. I just find all of रियली. it ridiculous. No, see, हाँ आई लव I'm इट. old school. I'm old school. Give me Casablanca to watch. I like something with a more of a message. I've watched them sometimes, this Captain America or ye or wo. I love Star Wars because obviously I was growing up at that time, so I still love Star Wars. But other than that, I find it very difficult to watch these films. I mean, it's just too much noise. तो मच नॉइज और I उसमें just बहुत मरना like मराना, no, और too फिर कोई कोई ज्यादा किसी को फर्क भी noise. नहीं पड़ रहा होता कोई मर रहा है ना. मतलब वो जो बेचारे लोग मर रहे हैं जब तक मेन कैरेक्टर नहीं मरता किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता. तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि मतलब उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, वो बेचारे गिर रहे हैं है ना, शायद ऐसे गिरे जा रहे हैं मरे जा रहे हैं. हाँ बट No, can't watch मेरा मेरा zombie मेरा films. जो जॉनरा है वो है कॉमेडी. आई लव कॉमेडी, चाहे वो I do थ्रिलर के too. साथ हो. रोमांटिक कॉमेडीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई हेट Oh, I रोमांटिक फिल्म्स, आई love लाइक इट them. रियली. Johnny, I love romance and I love romantic comedies. I mean, Romedy Channel is आई one of my favorites. I'm such मी a, टू I मी am, टू. I think I'm आशिक है ना. एट द एंड ऑफ द डे हम बड़े पुराने स्कूल के थॉट वाले वो है ना, उसमें राहत के गाने और वो आतिफ के गाने, एंड आई एम लाइक दैट. मेहदी हसन, दिट्स मी. आई लव ऑल ऑफ दैट. सो लिसन, टेल मी, व्हाट वाज द लास्ट प्रोजेक्ट यू वर डूइंग? वाज इट पुट ऑन अ हॉल्ट? क्या हुआ जी बताओ? जी एक सिटकॉम है जो ऑन गोइंग है, जो ARY पे चल रहा है. उसका नाम है खट्टा मीठा जलेबी. वाला? जलेबी ओ जलेबी नाम है उसका. Oh, so somebody सो had written that they watch your Khatta Meetha thing and they love that, is it? दैट वाज अनदर थिंग दैट आई डिड. So now, तो वो रुक गया शूटिंग, और उसकी जो है वो ऑब्वियसली ऑन एयर है तो बहुत परेशान है प्रोड्यूसर्स. बट ऑब्वियसली ये चीज जो है वो ज्यादा ऑफ इम्पोर्टेंस है, और मैं बार बार लोगों को यही रिएटरेट कर रही होती हूँ कि सिर्फ दिमाग. so my खटमल गाय The guy who came to spray the house, he told me, मैं आज नहीं आ सकता. मैंने कहा क्यों? क्योंकि मुझे पूरे ARY में जाके कोरोना फ्री करना है, जाके मैं उसको साफ करना है और पता नहीं क्या. तो लेट मी टेल यू समथिंग दैट यू माइट बी गोइंग बैक टू वर्क सून बिकॉज जी आई ARY थिंक इज कोरोना फ्री नाउ अपेरेंटली. आई डोंट नो सो हाउ हाउ इट विल बिकम कोरोना फ्री. आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमें अपनानी पड़ेगी, बिकॉज ये 1 साल तक तो चलने वाला है फ्री. ये वाला सिलसिला जो 1 साल तक तो चलेगा, और कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है. सफाई का ख्याल रख रहे हैं और इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है जो कि हमें वैसे ही रखनी चाहिए. सो यू डोंट बट थिंक के तुम्हारा ड्रामा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा सिटकॉम मेरा अभी? ड्रामा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, मुझे डेट्स मिल गई हैं उसकी. मैं थोड़ी ओए होए एप्रिहेंसिव हूँ. हाँ मैं थोड़ी सी एप्रिहेंसिव हूँ होए होए कि यू क्या नो आई हो रहा थिंक इवेंचुअली इट्स पीपल आर गोइंग टू get very tired of sitting at home, and they will. जी. I mean, I'm tired of it. I can't do it. I just find it very difficult. Even अब 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए ना, महीना हो जाएगा जुम्मे को, क्योंकि बिल्कुल they had given the conditional कि आप खुद ही अगर आपने लॉकडाउन करना है तो करते. So on Friday it'll be a month. So that's a बिल्कुल long time for people to be sitting at home, and it's लेट्स सी कि ये जो ईज हुआ है इसमें क्या होता है, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान, थैंक गॉड, 6,000 अभी लोग इन्फेक्ट हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए. एंड आई जी. उधर तस्वीरें जो मैं देखती रहती हूँ कि बाजारों में, वेजिटेबल मार्केट में सारी लोग दुनिया हैं घूमती घूम फिर. रहे हैं जी बिल्कुल, और नमाजें पढ़ने के लिए जो है वो लोग लड़ रहे हैं. मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक हदीस है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको पता हो कि आप बीमार हैं तो आप दूर रहें, आपकी आपके ऊपर ये वाजिब है कि आप दूसरों से दूर रहें कि दूसरों तक ये वबा ना पहुंचाएं. लेकिन ये बात लोग नहीं समझते. आपने इबादत करनी है, आपको पता है कि ये सिलसिला चल रहा है, हम बिल्कुल कोई कम नहीं हो जाता. जनरली जब लोग अपने काम पे भी होते हैं, उनके घर के या काम की जगह के करीब मस्जिद नहीं होती, तो वो
आपको नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, गाड़ी चलती हुई गाड़ी में भी नमाज पढ़ सकते हैं, उसकी कोई माफी नहीं। Absolutely, सो आप वो कीजिए, absolutely. आप इतने लोगों को, आपको क्या पता 15 दिन के अंदर जो है इसके सिम्टम्स नजर आते हैं, आपको नहीं पता कि आप इन्फेक्टेड है या नहीं है, क्यों आप किसी और की जिंदगी मुश्किल में डालेंगे? उफ, अभी लड़कियां पूछ रही हैं मॉडलिंग में कैसे आए. अभी देखो हमें तो पता ही नहीं कि हमारे फैशन फैशन वीक्स भी होंगे कि नहीं होंगे. सो आई नो ऑब्वियसली दो दो तीन फैशन वीक्स तो ऑलरेडी पोस्टपोन हो गए हैं. आई थिंक जी होपफुली अक्टूबर में बी वी विल, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के एंड में ही होते हैं. सो आई यू नो आई थिंक यस आई एम हैप्पी टू सी दैट गर्ल्स वॉन्ट टू कम बैक इन टू फैशन एंड दे वॉन्ट टू बिकम मॉडल्स एंड इट्स ग्रेट. एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ मॉडल देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ, ड्रेस अप, यू नो, गेट फिट. जी सोशल मीडिया पे जाके देखें, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज मिलेंगे फैशन वीक्स के, एंड देन लर्न, और फिर आके यू बिल्कुल कैन गेट इन टच विद अस, राइट? सो जाले, यूर सो एब्सोल्युटली क्यूट, योर फ्रेंड, ओ समबडी लाइक्स यू, समबडी डजंट. एक तो कि मुझे अभी तक आजकल समझ नहीं आती कि लोग एक तो बेहुदा बातें क्यों करते हैं, और जो जी, लोग आपको फॉलो करते हैं वो क्यों फॉलो करते हैं. अगर आपको ये बेहुदा बातें करने के आपको लिए श्रेया, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये हाँ भी जो साइबर बुलिंग है विच इज एक्चुअल थिंग, राइट मैं या आपको आई गेट ऑनेस्टली एक चीज टोल्ड बताऊं, या आई हाँ हैव नेवर, मैं टोन डेफ हूँ व्हेन इट कम्स टू समवन ट्राइंग टू से नास्टी थिंग्स और गंदी बातें जो ये कुछ लोगों ने लिखी थी, क्योंकि मुझे, मैं ऑनेस्टली जब जब मेरे मेरे बारे में कोई वैसी बात लिखी जाती है, मैं जाती हूँ पहले उनके अकाउंट पे, मैं आप सबको ये बता रही हूँ, मैं आपके अकाउंट पे जाऊंगी, मैं चेक करूंगी आप किस किस को फॉलो करते हैं, आपने कितने पोस्ट डाले, मुझे एग्जैक्टली आपकी साइकोलॉजी पता चल जाती है, मुझे पता चल जाता है ओ माई गॉड, इन बेचारों को शायद अटेंशन नहीं मिल रही, या इनके साथ पता नहीं क्या आइसोलेशन के और अकेलेपन के मसले हैं कि इनको कोई ना कोई रिस्पॉन्स चाहिए आउटसाइड वर्ल्ड से, तो मुझे सिर्फ तरस आता है ऑनेस्टली। अगर आपको मैं नहीं पसंद या प्रिया नहीं पसंद तो ना फॉलो कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें देखिए, पॉजिटिव रहिए, आप अच्छे रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग खुश रहेंगे, उदासी और ऐसी बातें करके किसी को कोई फायदा नहीं होता, 2 मिनट का आपको अटेंशन मिलेगी उसके बाद आपको ब्लॉक डिलीट कर दिया जाएगा। So, okay, yeah, so somebody is asking me, some boy is asking me, you can answer this question about modeling and coming into, a lot of boys want to come into modeling, लेकिन उसमें मैंने हमेशा उनको कहा है, it's a fact and it's very unfair, लेकिन लड़के इतने जी सारे हैं और लड़कियां बहुत कम हैं. सो होता हाँ है कि बिकॉज मेल मॉडल्स इतने सारे हैं, उन मेल मॉडल्स को, ये बहुत अनफेयर बात है कि ज्यादातर यही होता है कि खवातीन को हमेशा कम पैसे मिलते हैं किसी भी प्रोफेशन जी में, बट हमारे मुल्क में मॉडलिंग उल्टा है. लड़कों को बिल्कुल बिल्कुल पैसे नहीं देते, बल्कि आई वो नो मुफ्त में आते हैं और मुफ्त में काम करते हैं. सो अगर आप समझ रहे हैं कि इसको आप हॉबी बना रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली ये करना पड़ेगा आपको आगे जाके, यू विल हैव टू फाइंड ए प्रोफेशन. हमारे बहुत सारे जबरदस्त मॉडल्स हैं, फारूक मनान थे 20 साल पहले, वो अब एक बहुत जमे हुए डायरेक्टर हैं. जी हसनैन डेरी हैं, बी शहजाद नूर है, बट ही इज ऑल्सो डूइंग टेलीविजन प्लेज नाउ. सो जी यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स टू डू, जस्ट कि आप एक चीज में घुस के बस आप उसमें गुम ना हो जाएं. बट इट कैन जी बिकम एन एवेन्यू टूवर्ड्स एक्टिंग एंड, बट ये है कि ये लोग ना समझे कि बड़ा आसान है यार, मेरी बड़ी शक्ल खूबसूरत है तो मैं आ जाऊंगा और मैं बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता. मेहनत करनी बड़ी मेहनत पड़ती है करनी और पड़ती है, बहुत हाँ मेहनत करनी बहुत पड़ती है, मैं ऑनेस्टली प्रोफेशनलिज्म भी स्पीकिंग दिखानी दुनिया भर पड़ती में, स्पेशली है. एलए एलए जैसा जो हब होते हैं ना, दुनिया भर में जो भी हब है ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर एंड मीडिया एंड टेलीविजन एंड मॉडलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वहां पे आप जब जाएं तो उनका एक सिलसिला ही अलग होता है, 24 आवर्स जिम खुले रहते हैं, 24 घंटे जिम खुले रहने का मतलब ये है कि वो 24 घंटे अवेल की जा रही है अपॉर्चुनिटी, विच मीन्स के वहां पे रहने वाले लोग जिम जा रहे हैं उस 24 घंटे में अपने काम से आई नो फारिग होके, विच मीन्स के सबने अपने आप को फिट करना है, सो मॉडलिंग इज ऑल अबाउट फिटनेस, ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, ऑल अबाउट योर लुक्स, इट इज अ फार्सिकल फील्ड, आई मीन अगर कोई ये सोचता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जी मतलब आप अपनी इंटेलिजेंस से बहुत सारी चीजें ऐसे पिक कर सकते हैं, बट देन अगेन इट इज समथिंग विच इज शो एंड टेल, सो इफ यू हैव दैट इन यू, इफ यू हैव द बॉडी द फिजिक द हाइट फर्स्टली फॉर बॉयज, सो देन गो फॉर इट, बट लाइक प्रिया सेड डोंट थिंक ऑफ गोइंग, लाइक मुझे बताइए And इंटरनेशनल please don't बॉर्डर्स में भी bring, फ्रिया, make too many muscles because big हाँ bodies don't look good in लीन clothes. लीन Okay? लीन Yeah, you have लीन to be एंड फिट, lean.
यू नीड हैव टू बी प्रिया, मीन मुझे एंड यू आप हैव ये बताइए कि इंटरनेशनल मॉडल्स में से भी लड़कों के कोई नाम आपको पता है? लाइक आई नो सिंडी क्रॉफर्ड, आई नो ईमान, आई नो ऑल ऑफ दीज ये सब ओल्डीज, पुरानी नोमी है, कैम्बल. जी नोएमी, मैं इंटरनेशनल पुरानी मॉडल्स की पुरानी बात कर रही हूँ, पुरानी इंटरनेशनल. राइट, अभी तो जिजेल जिजेल हो गई, और द वो भी पुरानी सिस्टर्स, हो गई। जो बड़ी फेमस सिस्टर्स है, जी दो जी 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 हदीद हदीद एंड बेला एंड हदीद. बेला बेला एग्जैक्टली. या सो आपको लड़कों के कोई नाम है जहन में? मुझे तो एक भी लड़के का नाम नहीं याद रहता, जब तक वो आंटी को नहीं याद आता. आई एम फॉलोइंग अ फ्यू ऑफ देम यू नो आई डू बट Honestly, no, not really. I'm है not, no, yeah. Isn't that very ना, it's very strange, isn't it? strange. Yeah. I know, That's it terrible. is. I Yeah. know, I it's think very. once they grow, I mean, I don't even know how many of them become actors as well. You know, I mean, girls जी, usually you've seen them going into branch acting. A out. lot of, Gwyneth Paltrow was beautiful. She was a model and, you know, she graduated and became a an actor. So a lot of people have done that, but with men, I can't pinpoint, you know, कि है ना, क्या है। हाँ, ये सही कह नाइदर रही हो वाई तुम। वैसे तुम बड़ी एक्टर्स मजे की ऐसे बातें कर। ये हैं. 24 घंटे वाला जिम के बारे में भी मैंने नहीं सोचा। बट यू नो अब ज्यादा लाइफस्टाइल बन गया है, बिकॉज जी लाइक माई चिल्ड्रन विल नॉट डू विदाउट वर्किंग आउट, दे डोंट गिव अ डैम। आई नो, बोथ योर चिल्ड्रन आर सो फिट प्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड यू योर आई'm सेल्फ आर ऑलवेज फिट, एंड यू केप्ट योर सेल्फ फिट थ्रू आउट द इयर्स, एंड Yeah, इट्स I've अ गुड थिंग, यू tried. नो, बिकॉज मेंटली आप स्ट्रांग रहते हैं. आप जब तक फिजिकली फिट नहीं हो, आप मेंटली फिट नहीं रहते. एंड आई एम नॉट I'm टॉकिंग अबाउट कि really आप अपने एब्स बनाने और आप जो है आपकी enjoying this समर time. बॉड But I go through a हो. lot of fluctuation, you know, मैं काम को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ो, जी अच्छा आज एक्सरसाइज नहीं की, कोई बात नहीं। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आई एक्चुअली लॉस्ट 10 pounds एंड आई एम रियली, आई Ooh. मीन Yeah, I'm very excited. I'm so excited. You That's know, I'm going to keep good. at it now. This प्रिया, time आपने I कपड़े decided आपने no. निकाल लिए? आपने कपड़े अपने निकाल के रख लिए कि जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा, आई हैव दिस सेट ऑफ क्लोथ्स दैट आई विल बी वेयरिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ I'm ओकेशंस, always है ना? dressed up. You can see I'm wearing Sadaf Malate dress. You know, this is ओह my thing every लवली, day. Yeah, शी इज वन because ऑफ I माय think every फेवरेट्स. day it's my thing every day. कि अब मैं रोज किसी से बात करती हूँ और मैं फिर शाम को एक्सरसाइज करने के बाद यू नो टेक अ शावर, गेट माय मेकअप ऑन। इतना वैसे मेकअप मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया जो मैं हर रोज बैठ के फाउंडेशन प्रिया, लगा के बैठी। इट्स सो मच फन, इट्स सो मेथोडिक, इट इज सो राइट, इट रियली मेथोडिक. इज। लाइक मैं तो मेकअप होल्डर हूँ. आई हैव दिस होल, लाइक आई मेकअप आर्टिस्ट मेरे घर जब भी आते हैं तो वो ये सोचते हैं, मतलब व्हाई, लाइक व्हाई डू हैव सो मच मेकअप? इट्स बिकॉज़ आई लव इट, इट्स लाइक कैंडी टू मी. मी आई गो टू, इनसाइड अ सफोरा इट एंड अल्टा, इट्स कैंडी, इज। एंड एंड द आई लव कलर्स यूजिंग इट. यस. आई डू टू। अच्छा मैं तो बहुत बुरी हूँ ना, आई एम अ होर्डर, आई डोंट इवन थ्रो थिंग्स अवे। एंड सो आई एम वेरी गुड. लाइक ओके दिस इज रियली ओल्ड मेकअप। एंड यू नो मेकअप बाय द वे इज सपोज टू बी, आई थिंक देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 years, एंड देन यू आर नॉट सपोज रियली. टू अगर इट स्टार्ट स्मेलिंग वन। बैड और अगर आप यूज नहीं कर सकते, वो मस्कारा लिपस्टिक का तो आंखों पता से चल जाता कनेक्टेड. है, हाँ, लिपस्टिक की फॉरन स्मेल लिप चेंज हो लिपस्टिक का जाती तो है, पता चल जाता है, उसका मस्कारा नहीं कलर, आपको लगाना चाहिए. उसका टेस्ट भी अजीब सा हो हाँ जाता है, हाँ यू नो सो यू हैव टू थ्रो डोई इट टेस्ट हो आउट। जाता है. या या बट वही अदरवाइज होता है बैलेंस ना, वाले चलते हैं, कुछ आई हैव जो मेरी फेवरेट नहीं. लिपस्टिक है ना, तो वह पर दो तीन है, ताकि एक हमेशा कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, गुम जाती. तो यू मस्ट कीप इट। बैकअप ओके, बैकअप. समवन इज सेइंग 12 months, ओके 12 months इज ऑल यू कैन कीप योर मेकअप फॉर। ओके, रियली, परफ्यूम यू कैन कीप फॉर 3 years। आई नो परफ्यूम ऑल्सो गोज बैड आफ्टर 3 years। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक लॉट्स ऑफ परफ्यूम्स, किसी के कमरे में आप जाएं बहुत सारे परफ्यूम पड़े होते हैं, यू नो। बट यू नो आई यूज टू हैव दैट बट नॉट एनी मोर, बिकॉज नाउ आई हैव माई फेवरेट्स। एंड आई नोटिस करती हूँ कि जब आपको बर्थडे पे भी कोई परफ्यूम देता है, वो अगर आपका फेवरेट ना, आप नहीं लगाते और वो फायदा नहीं फिर है. ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो बेटर टू गिव इट अवे एंड यूज द आप किसी वंस दैट और यू को दे देना, रियली। किसी हाँ रिसाइकल कर दे हाँ प्रेजेंट खोले रिसाइकल करें। बगैर. या सो रिफ्रेशिंग. ओके यू नो सो लेट्स या सो लेट्स कॉल इट अ डे। डू यू हैव अ मैसेज टू गिव एवरीबडी? आई थिंक माय ओ समबडी इज आस्किंग योर फेवरेट परफ्यूम व्हाट्स योर फेवरेट? माई माइन इज नार्सिस्को रॉड्रिगस, ओह पिंक आई थिंक आई वाली हैड है, दैट। पिंक, लाइट पिंक. ओफ आई लव इट, इट्स सो फ्रेश, या रियली फ्रेश, रियली माय फ्रेश सेंट. फेवरेट परफ्यूम इज, ओह माय गॉड,
I think my brain is not working right now. But most YSL perfumes are my favorite perfumes. I still like Poison. I still like Yes. Paris. I still like all of those. And I still like, I don't know if I remember Giorgio Rodeo Drive. I still like that perfume. सुनो और ना, मुझे ये वो वाले मिलता परफ्यूम्स नहीं है हैं फ्रिया, जो कि रह एंजल जाते हैं ना, आप सुबह को लगाओ शाम तक आपके पास वो स्मेल आती है। दीज आर लाइक या दोस क्लासिक परफ्यूम्स लाइक शनेल। शनेल की स्मेल ही नहीं Chanel. जाती, जाती ही नहीं है। आई लव शनेल Yeah. चांस ऑल्सो, इट्स ब्यूटीफुल। I actually put perfume on before I sleep. That's another यू डू? secret I have. Yeah, because it ओह makes me feel happy. गुड, I can smell good यस and I feel happy. You know, I've always got candles in every room because when I come home, I turn the lights low. I put perfume because that's my sukoon, you know, and I like to put perfume on. And That is I very just, I nice. think, I'll do that you tonight. I'll follow suit know. and I'll do that. Yes, that's Thank great. So this has been a good conversation. It's always a you, pleasure to Priya. talk Yeah, to you. Yeah, and I always, think always a this. pleasure myself also. हाँ, और Thank you मुझे एक so बड़ा much for मजे inviting me. का आइडिया आ रहा है इससे कि अगले आई मीन वंस आई एम सॉर्ट ऑफ डन विद अ कपल ऑफ जी वीक्स ऑफ डूइंग दिस आई एम गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू शेयर स्टफ यू आर गोइंग टू शेयर योर मेकअप विद मी आई एम गोइंग टू शेयर माय मेकअप विद यू और डन वी विल डू अ सेशन विद वी आर डूइंग डन मेकअप एंड वी आर शोइंग परफ्यूम्स एंड मे बी इवन आर क्लोथ्स वी कैन डू दैट राइट या डन डील है फ्रिया। और सो आई दैट बी समबडी सो मच समबा फन। Who's saying Mohsin Saeed? Is this Mohsin? अपना Mohsin? Mohsin saying deo does not go away, no matter perf. Listen, for that body odor, you don't जी use perfume. You जी have to use a good deodorant. लोगों को पाकिस्तान में, by the way, एक problem है यहाँ पे. मैं बताऊँ, जी अब मेरे ऑफिस में भी लोग आते हैं, कपड़े पहने होते हैं, ऊपर उसके स्प्रे कर रहे होते हैं. I said, hello. हाँ, First of all, लग जाते हैं perfume goes on your skin. And जी। you have to use deodorant. And Pakistan में तो बहुत गर्मी होती है. So you have to use good deodorant underneath हाइजीन, your arms. हाइजीन, जो हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डिओड्रेंट का भी कोई फायदा नहीं है जब तक आप नहाते ना रहे और वही कपड़े दोबारा ना पहने जिसमें ऑलरेडी पसीना है। मैं ये तो भी देखती हूँ प्रॉब्लम लोग है. अपने गंदे कपड़े जो है वो तय करके कबट में रख देते हैं ताकि वो ओ माय सारे कपड़ों में गॉड. वही स्मेल फंस यू जाए। तो मैं तो अपने एक और मैं आपको एक आइडिया देती हूँ. लॉट ऑफ पीपल कांट जी अफोर्ड यू नो समटाइम्स पुटिंग दोज लिटिल सैशेस इन जी देयर जी कबर्ड टू गेट द स्मेल आउट. जी सो ये ओपरा विनफ्री पे मैंने देखा था. अगर आप जी अपने जो आपके साबुन पुराने नहीं हो जाते, छोटे हो जाते हैं, जो जी जी आप सुकड़ जाते हैं बिल्कुल, नहीं सूख रगड़ के सकते, डंडिया। हाँ जी, पुट देम इन योर कबर्ड. रियली, Put ओ them in your वाह, drawer, put them in your cupboard. ये ओपरा पे मैंने देखा था. It's a very good way of letting your clothes smell good and it's a देसी देसी नुस्खा हुआ है ना. ओ वे वेरी नाइस चलो प्रिया। अच्छा, आई'ल आल्सो शेयर टेल समथिंग। जनरली मी. लोग मॉथ बॉल्स रखते हैं ना अपने कबर्ड में हाँ और अपने राइट दराजों में, कि वो जो सिल्वर फिश जो होती है, जो कपड़े खा हाँ जाते हैं कीड़ा, तो हाँ वो ना आए। तो मॉथ बॉल्स की हाँ स्मेल बहुत अजीब सी होती है, सो मैं आई मॉथ हेट बॉल्स की दैट रखती हूँ। हाँ आई हेट हाँ देम टू विद अ आई हेट वेंजेंस। माउथ बॉल्स तो मैं या मॉथ बॉल्स की जगह जो है वो लॉन्ग रखती हूँ। लॉन्ग इज अ ओ नेचुरल रिपेलेंट, तो उसकी वजह अच्छा से भी जो है वो कीड़े खाने वाली अच्छा कीड़े जो कपड़े खाने मोहसिन वाले नहीं आएंगे। अच्छा मोहसिन कह रहे हैं लोगों को बोलो पिक यूज द क्रीम। करिए जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कहने ही वाली थी, फिटकरी का वो तुम्हारा इंटेंस इस्तेमाल जो मैंने इस्तेमाल की हुई है अपने हाँ एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में, राइट बिकॉज आई हाँ वाज इन वेरी एथलेटिक। आई हर वक्त मैं भाग रही फिर रही होती थी, और ख्याल नहीं होता हाँ जब आप 15-16 साल, चौदह या पंद्रह सोलह साल के होते हो। तो मेरी अम्मा ने जो है मुझे पीस के फिटकरी दी थी खास तौर पे, हाँ कि जब भी आप राइट नहाओ उसके साथ फिटकरी का हाँ इस्तेमाल करो, एंड उससे या बिल्कुल भी बीओ नहीं होता। इट इज अमेजिंग। राइट सो सो गुड ठीक है, ओह ले माय द मोर यू गॉड नो। प्रियंका चोपड़ा माय गॉड आवर लोकल प्रियंका आई ऑलवेज सेड दैट नो इट्स सो ट्रू इट्स ट्रू रियली, एक्चुअली यू लुक बेटर देन हर आई थिंक शी लुक्स आई बेटर डोंट आई डोंट वांट टू बी कंपेयर्ड विद हर एनी मोर। नॉट दैट आई राइट डोंट, देयर इज नथिंग अगेंस्ट हर। हाँ आपकी अपनी ओरिजिनलिटी होती है, एंड पीपल थिंक कि आपको किसी से मिला देना या किसी के साथ मुशाहिबत कर देना जो है वो बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आई नो हर किसी की शक्ल किसी ना किसी से मिलेगी और किसी ना किसी को मिलाया राइट जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों से मिलाया जाता है, बट अच्छा नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो। आई एम श्योर ओके इतना बोला गया है, प्रियंका को खुद पता होगा अब तो। सीरियसली, इतनी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर ये लिखा गया है, बट
She's a very beautiful woman, don't get me wrong, but I I think just she's want to be beautiful. myself. I I think so, agree. I but mean, you have your own face. I get that. I get the J Lo all the time. I'm like, oh, you got the J Lo with the oh. tan and the blonde hair and the fringe sometimes. So I get the J Lo. It's okay. It's all very complimentary. As long as Good. nobody's calling you, oh, you look like Dracula, oh, you look like this, or you're like, wo bhi hota hai. It's okay. It's a good compliment, Achha, you know. Priya, So, right before we leave, what's the yeah. worst thing anyone has ever said to you? I have a very funny story. What's the worst thing anyone has ever said? I mean, I actually don't know because, again, like you, I don't keep the baggage. I just throw it out the door because I think कोई इतनी कोई बुरी चीज आपको कह देगा जो आप रख लें, आई डोंट नो इफ यू केप्ट इट, बट आई वुडन्ट कीप इट. आई No, वुड it जस्ट was थ्रो funny. इट. In my case, so it was funny. It was हाँ, really funny. टेल मी, So व्हाट इज this दिस friend थिंग? of mine in college, this friend of mine really या, like बड़ी कोई sincere किस्म की लड़कियां नहीं होती जो बिल्कुल आपके मुंह पे सच बोलती हैं type. तो हाँ वो मुझे हाँ काफी, उस वक्त मैं बिल्कुल भी कोई ना शोबिस से मेरा ताल्लुक था ना मैं कोई इस किस्म का काम करती थी कि ब्यूटी से रिलेटेड कोई कहानी हो. तो काफी देर तक राइट. मुझे देख रही है और बोलती है, जाली मैं नोटिस करती हूँ रोजाना कि तुम्हारी शक्ल किसी से बहुत ज्यादा मिलती है. अब मैंने सोचना शुरू किया कि पता नहीं माधुरी दीक्षित से मिला रही है मुझे, पता नहीं किसका नाम लेगी. तो मैंने कहा हाँ कौन किससे मिलती है? मेरे चाचा से. और हाँ मैं टू सही, आई व्हाट वाज लाइक द हेल, व्हाट. दैट्स सो वियर्ड. दैट्स जस्ट, ओह रियली? यस, बट आई सॉ हर चाचास पिक्चर. और चाचा वाज क्वाइट यू नो, बड़ा फेमिनिन सा उनका फेस था. गुड तो मैंने कहा चलो लुकिंग, एटलीस्ट अच्छा, दाढ़ी दाढ़ी फेमिनिन, और मूंछें नहीं फेमिनिन था, खूबसूरत था, लंबे थी. लंबे आई लैशेज एंड ऑल. तो फिर फिर दैट्स ओके, सही दैट्स था, ओके, यू नो, दैट्स बट इट नॉट अ वाज बैड सो फनी. थिंग. इट वाज रियली फनी. या इट इज अ वेरी इज गुड फनी. फ्रेंड ऑफ ओके, माइन. शी स्टिल माय फ्रेंड, सो इट्स या नॉट लाइक एक्चुअली समथिंग डोंट, बैड. आई एक्चुअली थिंक दैट अगर किसी ने कुछ अच्छा नहीं बोलना तो ना ही बोले. हाँ यू सही नो, बात आई है, डोंट थिंक इट्स नाइस टू से बैड थिंग्स टू पीपल बिकॉज दैट्स बैड एनर्जी. Because एब्सोल्युटली. you know, if you see something wrong with someone, and unless it's doing them harm, you should not go up to them and tell them because you want to kill somebody's confidence. People are nasty and people are actually very insecure, so they like Absolutely. to say bad things. I don't understand that. I think that you don't say anything bad if you especially about physical appearance and things like that. You know, shaming someone is terrible. It's a horrible habit. So I think ये हमारे कल्चर में ना बहुत ज्यादा, एक्चुअली जिनमें फालतू टाइम बहुत होता है ना, तो वो लोग ये फालतू टाइम करते भी. और रहते प्रिया, हैं. जिस तरह से आप ट्रीट होना चाहते हैं ना, जिस तरह से आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ उनका रिएक्शन क्या हो, आपके साथ कैसे हो, उसी तरह से आप लोगों को ट्रीट करें. मतलब अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको मोटा काला पतला छोटा ना, जो भी आपके जहन में बुरी कोई चीज है वो आपको आपको बुरा लगता है कि आपके बारे में कही जाए, तो आप दूसरों को भी ना कहें. बिकॉज कार्मा बहुत बुरी चीज होती है, ये कभी ना कभी आपके ऊपर जरूर बात आएगी. So don't be nasty to people. It doesn't, see the thing is it doesn't affect anyone. Mostly people don't get affected, पर आप भी बुरे नजर आते हैं. ब्लॉग डिलीट आप हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे फायदा क्या फायदा, This is कुछ नहीं रह true. जाता. So we've had so many people, from somebody from Washington, Canada, Kuwait, कहाँ कहाँ से लोग, फैसलाबाद. Okay, this is nice. It's lovely. Thank you so much, guys. And now I have taken enough time. This has been a long session, Yes, is it? it This has is been good long. गपशप. It's a हाँ, good it is. गपशप, हाँ, हाँ. Yeah. और it हमें really was, एक्चुअली, भैया. और नहीं, और जाले, हमें कहाँ, तुझे और मुझे कहाँ टाइम मिलता है यार कि हम बैठ बिल्कुल. के गप्पे भी इस तरह के लगाएं. और जब हम मिलते भी हैं तो हम पार्टियों पे मिलते हैं और वहां पे इतने सारे लोग ऐसी होते हैं सिचुएशन और होती है. हाँ स्मॉल टॉक होती है कभी कभी, इतना टाइम नहीं मिलता हमें. सो इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू, एंड सेम हियर, लाइकवाइज. या, एंड आई एम गोना कीप सीइंग योर लवली पिक्चर्स इन द मॉर्निंग, एंड आई विल कीप पोस्टिंग माय फनी वीडियोस और व्हाटएवर आई कैन फाइंड, प्लीज डू प्रिया, यू प्लीज डू. नो. यू नो, एंड रिलेटेबल होना बहुत जरूरी है. यू नो, पीपल शुड या नो, लाइक या दिस होल थिंग दैट पीपल थिंक दैट हम शायद बारीक से उतरे हैं, कि हम हमारे वही प्रॉब्लम्स नहीं है. शायद हम लोग सब उसी प्रॉब्लम से आरास्ता हैं. हाँ, कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, हमारे पास कुछ सहूलियात होंगी, कुछ नहीं होंगी, बट वी आर द सेम काइंड ऑफ पीपल, सेम इमोशंस. जस्ट बी नाइस, जस्ट बी काइंड, एंड कीप ऑन. ये जो चीज एक जो निकली है क्वारंटीन से, क्रिया वो ये निकली, बहुत सारे लोगों ने लाइव जाना शुरू किया है, बहुत सारे लोगों ने बात करना शुरू किया जो कि मैं नहीं नहीं कर रहे करती, थे. हाँ मैं है नहीं ना, करती थी, दीज मैं भी नहीं कॉन्वर्सेशंस आर करती. रियली नाइस.
रीजन दिस इज या नाइस, यू गेट टू नो पीपल ऑल्सो, यू नो देयर प्रॉब्लम्स, देयर पर्सपेक्टिव, दिस इज अमेजिंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी प्रिया, थैंक Well, यू. no, I'm very excited to have you, and you're always one of my favorite people. So you look after yourself, and I'm going You to too, see you, too. inshallah. And we're going to do the makeup thing, and then the perfume thing, and then the Absolutely. clothes. Whenever. Okay? All right. Whenever, whenever. Okay, All darling. right, You take everyone. care. Good night. Good Good night. night, everyone. Have a good, safe night, safe week. Stay Sweet inside. dreams. Yeah, and stay home.